हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अभिषेक फ्रॉम अभिषेक कॉम्पिटिशन कोचिंग यूट्यूब चैनल। और मैं आपको एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि लोको पायलट सीविल टू एग्ज़ाम जो है 21 जनवरी 2019 से स्टार्ट हो रही है। ये 3 दिन एग्ज़ाम होगी, 21 जनवरी 22 जनवरी और 23 जनवरी, ये बिल्कुल कन्फर्म है। और इसका रिजल्ट जो है 20 तारीख को आ रही है, 20 दिसंबर को। और ये नए साल में अगले महीने होगा ये एग्ज़ाम। तो किस तरह से होगा ये एग्ज़ाम? ये एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा एग्ज़ाम। जिस तरह से आपने CBT 1 दिया था, उसे CBT 2 भी देना है। इसका एक बार फिर से आप समझ लीजिए आपको कैसे करनी तैयारी और किस तरह से एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम जो है आपको दो पार्ट में एग्ज़ाम होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों एग्ज़ाम बिल्कुल एक साथ ही होगा। दोनों में 1/3 निगेटिव होगी। पार्ट ए में टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होगा टोटल। और पार्ट बी में टोटल क्वेश्चन होगा 75। आपका जो मेरिट तैयार होगा टेक्नीशियन या फिर ALP दोनों के लिए, ये पार्ट ए में से आपका मेरिट तैयार, यानी 100 में से आप कितना नंबर लाते हैं इसी में से आपका मेरिट तैयार होगा। ये पार्ट बी जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इसमें आपको बस इसका 35% नंबर लाना है, यानी 35% आपको नंबर लाना है। और 35% नंबर बनता करीब 26 पॉइंट समथिंग, तो हम इसको लेते हैं 27 नंबर इसका पासिंग है। इसमें कुछ भी फिक्स नहीं कि इसमें कितना है। वैसे आपको वैसे जो बताएगा कि जनरल के लिए 40%, OBC SC के लिए 30%, ये सब बकवास है। आप इसमें मानिए कि 100 में आपको नंबर लाना है कितना कंफर्म रिजल्ट के लिए, वो कम से कम आपको 60 से 70% नंबर आपको चाहिए। 60 से 70 नंबर आपको पार्ट ए में आपको लाना ही पड़ेगा। 60 नंबर आप मान लें, 60 नंबर से आपको एक्स्ट्रा लाना है, तब आपका रिजल्ट की उम्मीद रख सकते, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई हो रही है इस वजह से। और इसके बाद जो लोग ALP के लिए जा रहे हैं, तो वो लोग पार्ट ए में अच्छी तरह से अच्छा स्कोर कीजिए, ताकि आपका साइको टेस्ट आसान हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों एग्ज़ाम बिल्कुल साथ साथ ही होगा, एक ही साथ होगा। वैसे दो भाग में एग्ज़ाम होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जैसे ही ख़त्म होगा, पार्ट बी शुरू हो जाएगी। और दोनों में टाइम आपको जो मिलेगा, इसमें मिलेगा आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा, इसमें मिलेगा आपको टाइम 60 मिनट का, यानी कि कितना हो गया, 1.5 घंटा, 1 घंटा, 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा टोटल, और एक ही साथ एग्ज़ाम होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये एग्ज़ाम अलग अलग हो सकता है, तो ऐसा बात नहीं है। तो अब देखिए, ये तो ये रहा, थोड़ा सा हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो सिलेबस होगा, पार्ट ए का जो सिलेबस होगा, ये आपको दो जैसे कि 25 मार्क्स का मैथमेटिक्स, 25 मार्क्स का रीजनिंग, और 40 मार्क्स का यानी 40 नंबर का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, और 10 नंबर का करंट अफेयर्स एंड GK। तो 25 नंबर मैथमेटिक्स, 25 नंबर रीजनिंग, 40 नंबर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब देखिए, साइंस में आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स और इंजीनियरिंग, ठीक है। और 10 नंबर करंट अफेयर्स ऑन जनरल अवेयरनेस। तो इस तरह से अब देखिए, इसको पासिंग करने का बिल्कुल शॉर्टकट जो है वो देखिए, 25 प्लस 25, ये देखिए 25 प्लस 25, 50 नंबर मैथ प्लस रीजनिंग दोनों मिलाकर के आप 42 नंबर से ऊपर ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं आप। बिल्कुल इस सबका ट्रिक है, आप इस हमारा वीडियो कोचिंग लेकर के आप बिल्कुल ला सकते हैं 50 में से, आप 42 नंबर से ऊपर, 40 नंबर से ऊपर ही लाइएगा, बिल्कुल कन्फर्म इतना। फिर देखिए यहाँ पे ये 40, ये थोड़ा सा मुश्किल करेगा आपको, ये 40 नंबर जो है जिसमें कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। तो इसमें आपको चूंकि आपका कुछ भी, यदि आपने डिप्लोमा या फिर बीटेक किया तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें 40 में से 30 नंबर तो ला ही दीजिए। जो स्टूडेंट ITI किए हैं उन लोगों को इसमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो तो बेसिक इंजीनियरिंग तो जानेंगे नहीं इस वजह से। वो जो ITI किए उसको फुल फोकस इसमें करना है, और जो लोग ITI नहीं किए, डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक या फिर BTEC BE करके आए हैं, उन लोगों के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो लोग 60 नंबर आसानी से ला सकते हैं। ये 10 नंबर जो करंट अफेयर्स का है, और 2-3 नंबर आपको GK का पूछ सकता है। करंट अफेयर्स कहाँ से पूछेगा, नहीं पूछेगा, ये कोई ठिकाना नहीं है। वैसे आप पीछे का 6 महीने का आप अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिए, खासकर यदि आपको वैसे क्वेश्चन कलेक्शन मिल जाता है जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप देखें ट्रेंडिंग टॉपिक कौन सा चल रहा है, उस पर देख लीजिए। तो इस तरह से आपको 60 नंबर चाहिए। अब देखिए पासिंग करने की जो ट्रिक है वो देखिए, स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता, टाइम मैनेजमेंट से आप 10 नंबर एक्स्ट्रा ला सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट आप अच्छी तरह से कीजिए, आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगी। टाइम मैनेजमेंट का भी आपको वीडियो कोचिंग मिल जाएगी मेरा वीडियो कोचिंग में।
तो इस तरह से आपको पार्ट वन में आपको 60+ नंबर लाना है। पार्ट बी का जो सिलेबस होगा, आपने जो फिल किया, जैसे आपने इलेक्ट्रिशियन फिल किया, वायरमैन फिल किया, तो आपको सिर्फ आपको जो आईटीआई का जो सिलेबस है, आप चाहे डिप्लोमा करें, पॉलिटेक्निक करें, या फिर बीटेक, बीई, या फिर एमटेक कुछ भी करके आए हैं, तो आपको यहाँ पे आपने जो आईटीआई जो जो एक ट्रेड जो आपने सेलेक्ट किया था, वो आईटीआई का ट्रेड एनजीईटी का सिलेबस से पूछेगा। दो दो साल वाली होती है आईटीआई, जैसे फीटर का है 2 साल का सिलेबस, इलेक्ट्रिशियन का है दो साल का सिलेबस, तो पूरा में से पूछेगा। ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ ट्रेड थ्योरी पूछेगा आपको, उसमें से उसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी आ सकता है, थोड़ा सा उसका वर्कशॉप भी आएगा, थोड़ा सा सेफ्टी एंड प्रिकॉशन भी आएगा। इसलिए बस एक नज़र, एक बार बस उसका सिलेबस को एक बार देख लीजिए, बिल्कुल एक शुरू से लेकर लास्ट में उल्टा लीजिए पेज को, आपको इसमें से 27 नंबर लाना बहुत ही आसान होगा। और 27 नंबर इसमें लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें ज़्यादा आप फोकस मत कीजिए, मेन फोकस आप इसमें कीजिए, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरिट आपको इससे तैयार होगी, पार्ट बी से आपका मेरिट तैयार नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो आई होप कि हमने आपको अभी तक जो भी जानकारी दिया, ये जानकारी आपके पास पहले से होगी, यदि कुछ छूट रही होगी तो आप प्लीज़ इसको ले लीजिए। वैसे आप हमारा सीबीटी 2 का स्पेशल वीडियो कोचिंग आता है, जो कि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मेन रूप से बेस्ड है, जो कि आपको 10 से लेकर 15 नंबर आपको एक्स्ट्रा दिलाएगी, बिल्कुल दिलाएगी। तो आप उसको लेकर के फुल्ली आप सीबीटी 2 के लिए कन्फर्म तैयारी कर सकते हैं, तो आप इसके लिए भी प्रोसेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, पहली बार हमारे चैनल पर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना चाहे तो इसको भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हम आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में। और अभी रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, NTPC, JEE, SSC, तो आप इसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं हमारे कोचिंग में, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए हमारे इस चैनल को। थैंक यू सो मच, हम आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में।